नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पर लूसेंट की हिस्ट्री की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। उसका पांचवा पार्ट है। पहले चार पार्ट में हमने हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस किया है। आज टॉपिक है वैदिक संस्कृति। इस ये भी 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में भारत पहुंचे, मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जो सही नहीं है वो बताना है। तो ये नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उन्हें कहा जाता था श्रमण। क्या कहा जाता था? श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग होता है शुल्व सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना जो दी गई है वो दी गई है ऋग्वेद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग, यजुर्, सामवेद जो आते हैं त्रयी संयुक्त रूप से कहलाते हैं। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है वो कहा जाता है सामवेद को। संगीत और साम ऐसे याद रख लेना। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु हमारे प्रथम विधि निर्माता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो आता है गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो कौन से मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? वेद हमारे पास 4 है, पुराण कितने हैं? पुराण 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? यहाँ पे आ जाएगा प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का यूज किया गया है। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये हमने अभी पढ़ा था, ज्यामिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिगमय, ये वाला जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो ये कहाँ पे बसे थे? तो उसका सही आंसर आ जाएगा पंजाब में। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? वेदों को क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इन्हें अपौरुषीय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो आते हैं कौन है? वो अक्षपाद गौतम है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें जैमिनी आते हैं मीमांसा के। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बादरायन जो आते हैं वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर आ जाएगा नवा मंडल जो आता है वो सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट के किनारे लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा पौरुषणी नदी के तट के किनारे लड़ा गया था। गायत्री मंत्र देवी संवृत को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है हमको ऋग्वेद के अंदर। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, तो निष्क क्या था? प्राचीन भारत में किसके लिए यूज किया जाता था? स्वर्ण आभूषण के लिए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? उपनिषद पुस्तकें ये दर्शन पर आधारित है।
यहाँ पर सूची एक में वे दे रखे हैं और इसका संबंध किससे आता है ये हमको बताना है। जैसे ऋग्वेद ये है स्त्रोत और प्रार्थनाएं, यजुर्वेद जो आता है स्त्रोत और कर्मकांड, सामवेद जो आता है वो संगीतमय स्त्रोत है, अथर्ववेद जो आता है वो तंत्र मंत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो पहला आ जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है जिसका वर्णन बार बार किया गया है, तो उसमें सिंधु नदी आती है वैदिक साहित्य में। उपनिषद काल में राजा अशुपति कहाँ के शासक थे, तो ये कहाँ के थे, ये कैकेयी के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा कठोपनिषद में मिलता है ये। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए, तो कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए, ये होना चाहिए अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलित प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो कौन से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा जगह है वहां पे। कर्म का सिद्धांत जो आता है किससे संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है। इस तरीके से हमारे 45 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इसका ये वैदिक का जो टॉपिक है ये कम से कम 3 से 4 क्लास में पूरा हो जाएगा। ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।